सब्सक्राइब कीजिए स्टडी दंगल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी दंगल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओस्मोसिस डिफ्यूजन एंड टॉनिसिटी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इन टॉपिक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। सो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिफ्यूजन। सो गाइस डिफ्यूजन, सो गाइस डिफ्यूजन समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। तो गाइस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, दो पार्टिकल्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन्हीं दोनों को मिलके हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास ये वन बीकर या फिर वन ग्लास वाटर है, ओके, ये है इसमें वाटर। अगर मैं इसमें शुगर में डाल दूँ, ठीक है, या फिर सॉल्ट डाल दूँ, शुगर डाल दूँ, कुछ भी मैं इसमें डाल दूँ, तो इसमें एक अंदर मिक्स हो जाएगा। सो इस ये जो बना, क्या बना, अगर मैंने शुगर डाला तो सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट डाला तो सॉल्ट सॉल्यूशन। सो देखो, हमेशा जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डेट मीन्स इसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या है, वाटर। सो वाट इज़ द सॉल्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट में क्या है, शुगर या फिर सॉल्ट, तो विच इज़ सॉल्यूट। तो डैट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, एंड जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सो इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। देखो गाइस, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो जब कोई मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करता है, डेट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब क्वेश्चन ये है, ये मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, क्योंकि मूवमेंट तो मॉलिक्यूल्स की हो रही है ना। देखो, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़न में होता है सॉल्ट या फिर शुगर, डैट मीन्स आप कह सकते हो सॉल्यूट, ओके। सो जब सॉल्यूट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करेगा, डैट प्रोसेस सेट टू बी डिफ्यूज़न। सो गाइस, सपोज करो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहीं पे देखो, जैसे सपोज करो ये वाटर है, ओके, इसमें वाटर है एंड हम इसमें डाल देते हैं इंक, ओके, ये आ गई इसमें इंक। सो अब क्या होगा इसके अंदर, तो इंक ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स होल वाटर, ठीक है, जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं सबके साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा। तो मतलब ट्रेवल करेगा अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो, हाई कंसंट्रेशन इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, मतलब इंक ज़्यादा है, और जो बाकी पार्ट है सॉल्वेंट का इसके अंदर इंक है ही नहीं, तो इंक की कंसंट्रेशन वाटर पार्टिकल्स में कम हो गई और इंक में तो ज़्यादा है ही। तो डैट मीन्स मोमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू द या फिर ऑफ सॉल्यूट टू द लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, डैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई होप यू गेट इट। सो काफ़ी ईजी है डिफ्यूजन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज, सो गाइज, ओस्मोसिस। सो ओस्मोसिस इज, इट इज़ द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रान। सो गाइज, इट मीन्स अगर हम डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डैट मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। सपोज करो दिस इज ए बीकर, ओके, और हमने इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रान से इसको फिक्स कर दिया है, ओके गाइस। सो इसके अंदर भी कुछ सॉल्यूशन है एंड इसके अंदर भी कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें हम इसमें 80% वाटर है एंड 20% सॉल्ट है, ओके, एंड इसके अंदर 60% वाटर है एंड 40% सॉल्ट है। सो व्हाट डज इट मींस, इट मींस वाटर इस साइड लेफ्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंड इस साइड
लो कंसंट्रेशन में है। देखो हाई कंसंट्रेशन में वाटर है तो सॉल्ट डेफिनेटली वो लो कंसंट्रेशन में ही होगा, क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिला के 100% होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, सो वाटर कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, कब तक, जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, दोनों तरफ एक इक्वल स्टेट ना आ जाए, ठीक है, इक्वल वाटर क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ओके, मतलब ये सेलेक्ट करके ही जो भी सॉल्यूशन है उसको एंट्री देती है। ओके, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की सेल की। सो गाइस, दिस इज ओस्मोसिस। सो गाइस लेट्स मूव टू द टोनिसिटी। सो टोनिसिटी का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सॉल्यूशन टू मेक वाटर मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल थ्रू ओस्मोसिस। सो ओस्मोसिस के थ्रू जब सेल के अंदर और सेल के बाहर जब वाटर मूवमेंट होती है, डेट इज कॉल्ड टोनिसिटी, ठीक है, और ये ओस्मोसिस के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो सपोज करो कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास तीन बीकर हैं, राइट, एक दो एंड तीन। सो इन तीनों के अंदर कुछ सेल रखी हुई है, एक सेल, ठीक है, और ये बाहर इसके वाटर है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है और अंदर भी सॉल्यूशन होता है। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसके अंदर 50% NaCl है। ओके गाइस, एंड अंदर जो सेल के अंदर है 50% NaCl। अगर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर बाहर हमें दे रखा है 30% NaCl एंड अंदर मान लेते हैं कुछ भी 70% मान लेते हैं या फिर 60% NaCl। ओके गाइस, एंड अगर थर्ड बात करें तो इसमें हमें 70% NaCl दिया हुआ है। NaCl मीन्स सॉल्ट, ओके, सोडियम क्लोराइड, एंड अंदर की सेल में हमें 40% NaCl दिया हुआ है। सो गाइस, अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो वाटर जो मॉलिक्यूल होगा, मतलब सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो वाटर कैसे मूव करेगा। ओके, सो आइए समझते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वाटर का कंटेंट कितना है, ठीक है, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट हम पता लगा लेंगे तो हमें पता है कि ओस्मोसिस हमेशा वाटर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू देयर लो कंसंट्रेशन। सो अगर हम देखो बाहर अगर 50% NaCl है तो डैट मीन्स बाहर 50% ही तुम्हारा वाटर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन कभी भी 100% से ऊपर नहीं हो सकता, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 100%। एंड अगर सेल के अंदर की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, 50% वाटर ही होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे 50% वाटर है और अंदर भी वाटर है, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, जीरो, मतलब वाटर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ना ही वाटर बाहर जाएगा। अगर जाएगा, अगर हुआ भी, तो क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। ओके गाइस, सो डैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आई होप यू गेट इट। सो देखो जब सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो वाटर मूव नहीं करेगा, डैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल की शेप पे भी कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल प्रेशर है। बात करते हैं सेकंड बीकर। देखो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है 30% NaCl, तो डैट मीन्स यहाँ पे 70% वाटर होगा और यहाँ पे हमें देखा 60% NaCl, डैट मीन्स यहाँ पे 40% वाटर होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि बाहर जो है वो सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लार्जर अमाउंट में, तो डैट मीन्स वाटर इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है। बट अगर कंसंट्रेशन की बात करें, सॉल्यूट कंसेंट की बात करें, अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। अब बात करते हैं हमने थर्ड बीकर की, ठीक है, जिसमें देखो हमें बाहर दे रखा है 70% NaCl, डेट मीन्स यहाँ पे 30% वाटर होगा, ठीक है, एंड अंदर हमें 40% NaCl होगा, डेट इज यहाँ पे 60%
वाटर होगा। देखो अगर हम सेकंड की बात कर लें एक बार फिर से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो पानी जब अंदर आएगा तो ये हो सकता है कि इट में ब्रस्ट, डेट मीन्स देखो पानी ज़्यादा जाएगा तो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, डेट मीन्स सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे इसके टूटने के, इसके ब्रस्ट होने के भी चांसेस बन जाते हैं। थर्ड की बात करें तो देखो सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है 60%, सो सेल जो वाटर होगा कैसे ट्रेवल करेगा, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, डेट मीन्स ऐसे, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, हाइपरटोनिक का मतलब जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ओके, और बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम हो, तो डैट मीन्स सेल कैसी होगी, सेल हो सकता है श्रिंक हो जाए, क्योंकि अंदर का पानी जब बाहर जाएगा तो हो सकता है सेल हल्की सी श्रिंक हो जाए, ठीक है, उसका कंटेंट पानी, वाटर कंटेंट बाहर आ जाएगा। सो गाइस ये था टॉनिसिटी, तो काफ़ी इजी टॉपिक है। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया डिफ्यूज़न क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है, टॉनिसिटी कैसे क्या होती है, और कैसे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, ठीक है। सो अपने जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया हैं सब पे इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।